हेलो गाइस, सो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अपनी गाड़ी के क्रूज कंट्रोल का यूज़ कर सकते हो। सो आज हम हैं भाई अपनी स्कॉर्पियो में फिर से, और इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि क्रूज कंट्रोल के नियम क्या होते हैं और कितने आरपीएम से क्रूज कंट्रोल इंगेज होता है, और आपकी कोई भी गाड़ी हो जिसमें क्रूज कंट्रोल हो वो इसी सेम प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी और आपको हम इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो देखो फ्रेंड, जब भी आपको क्रूज कंट्रोल लगाना है ना, तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आप जिस रोड पे चल रहे हो वो रोड क्रूज कंट्रोल लायक हो। अगर आप जैसे नॉर्मल रोड पे क्रूज कंट्रोल लगाओगे तो इसमें एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे आप मोस्टली हाईवे पे क्रूज कंट्रोल का यूज़ करें, जैसे कि अभी हम चल रहे हैं, अभी हम आगरा रिंग रोड पे चल रहे हैं। तो क्रूज कंट्रोल लगाने का सबसे पहला नियम ये होता है कि जो गाड़ी का आरपीएम है वो आरपीएम आपका से ऊपर होना चाहिए, तभी क्रूज कंट्रोल लॉक होगा। सो अभी गाड़ी हमारी फोर्थ गियर पे चल रही है अराउंड 50 की स्पीड में, और आरपीएम 1500 को हिट करने वाली है। तो अब हम फिफ्थ गियर एंगेज करके गाड़ी को 1500 आरपीएम से ऊपर लेंगे। सो अभी हमारी गाड़ी का आरपीएम एक बार हम इसको, अभी हमने पंजा दबाया है, अब हमारी गाड़ी का आरपीएम 1500 से ऊपर हो गया है और फिफ्थ गियर पे है। तो आपको क्या करना है कि क्रूज कंट्रोल लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जो प्लस का बटन है, सेट प्लस को दबाना है आपको। जैसे ही आप सेट प्लस दबाओगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ये क्रूज कंट्रोल वाली लाइट जल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपका क्रूज कंट्रोल इंगेज हो चुका है, और क्रूज कंट्रोल इंगेज होने के बाद आप जब भी सेट प्लस दबाओगे तो स्पीड आपकी बढ़ती चली जाएगी, और जब आप सेट प्लस दबाओगे तो स्पीड आपकी घटती चली जाएगी। क्रूज कंट्रोल अगर आप जैसे चला रहे हो और अगर आपका क्रूज कंट्रोल एकदम से आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है और आपको ब्रेक देना है, तो आप जैसे ही ब्रेक को दबाओगे तो क्रूज कंट्रोल, जैसे देख रहे हो अब मैंने ब्रेक दबाया तो क्रूज कंट्रोल डिसइंगेज हो गया। अब इस डिसइंगेज होने के बाद अगर मैं इसको दोबारा से क्रूज फिर से करना चाहूँगा तो इसके लिए एक यहाँ पर कंपनी बटन देती है, RES, इसका मतलब होता है क्रूज कंट्रोल रीसेट बटन। आप जैसे ये रीसेट बटन दबाओगे तो अगेन आप देख सकते हो ये क्रूज कंट्रोल फिर से आपका इंगेज हो गया। अब जैसे यहाँ एक ऑप्शन और होता है क्रूज कंट्रोल ऑफ, अब जैसे मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं ऑफ भी कर सकता हूँ, और आप अगर चाहो तो आप ब्रेक पैड को भी दबाकर ऑफ कर सकते हो, फिर आप जैसे रीसेट करोगे तो ये फिर रीसेट हो जाएगा। इसके बाद एक फीचर जो आता है फ्रेंड्स, वो आता है क्रूज कंट्रोल में ही आप गाड़ी कैसे ओवरटेक करें। स्कॉर्पियो गाड़ी में एक फीचर आता है कि अगर जैसे आपके कोई आगे गाड़ी चल रही है, सपोज करो मेरे आगे वो ऑटो चल रहा है, जैसे कि अब मैं उसके सामने जाने की कोशिश करता हूँ, सिक्स्थ गियर मैंने एंगेज कर लिया है और हमेशा रोड पे चले तो सीट बेल्ट पहने। अगर जैसे आपके सामने कोई गाड़ी चल रही है ऑटो, जैसे कोई भी बड़ी गाड़ी चल रही है और आपका क्रूज कंट्रोल सेट है 80 पर, कुछ कुछ सिचुएशन में क्या होता है ना कि जैसे कि आपकी गाड़ी के साथ ही साथ बराबर कोई चलता है तो आपको थोड़ा सा ना मतलब ऑड फील होता है, तो उस ऑड फील होने के लिए आप क्या करते हैं कि आप उस गाड़ी से आगे निकलते हैं। तो क्रूज इंगेज में ही आप कैसे आगे निकल सकते हैं ना, क्रूज इंगेज है, बस मैं रेस दबाऊंगा तो भी क्रूज इंगेज रहेगा और गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। और आपको ये ऐसा नहीं है कि मतलब मैं रेस दबा रहा हूँ तो क्रूज की भी स्पीड आगे सेट हो रही है, नहीं, जैसे ही मैं रेस से पैर हटाऊंगा क्रूज फिर से उतनी ही स्पीड में आ जाएगा। जैसे कि एक बार मैं अपनी लेन चेंज करके दिखाता हूँ, लेन चेंज कर लेता हूँ, पीछे से गाड़ी आ रही है, अब जैसे मैं पंजे से मैंने पैर हटा लिया तो आप देखना ये जो स्पीडोमीटर है ये वापस से उसी पर आ जाएगी फिर से, ये देखो फिर से स्पीड 60 पर आ गई। अब मैं फिर एक बार पंजा दबाऊंगा तो आप ये देखना फिर से स्पीड बढ़ेगी, ये देखो स्पीड बढ़ रही है, क्रूज इंगेज है हमारी गाड़ी का, रोड पे हम चल रहे हैं अभी भी देखो। अब जैसे ही मैं पंजे से पैर हटाऊंगा, ये मैंने हटाया पंजे से पैर, तो आप ये देखो स्पीड अपने आप क्रूज इंगेज में फिर से उसी पे आके लॉक हो जाएगी, ये देखो आप ये स्पीड स्लो हो गई। एक फीचर आता है क्रूज कंट्रोल में रीसेट के साथ ही वो काम करता है, और जो रीसेट का रियल यूज़ होता है वो ये होता है कि जैसे अगर अब मैंने गाड़ी मेरी ऑन है और मैं गाड़ी को साइड में खड़ी करके पार्क करता हूँ, अब जैसे मैं गाड़ी साइड में खड़ी कर लूँ, देखो न्यूट्रल पे खड़ी हो चुकी है मेरी गाड़ी रोड पे। अब मेरे को करना क्या है कि जैसे अब मैंने फिर अपनी ड्राइव स्टार्ट करी, मतलब अपने पानी पीने के लिए रुके, एक बार पीछे से ऑटो वगैरह ये निकल जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि अब मैं चलना स्टार्ट करता हूँ फिर से, ठीक है, अब जैसे मैंने फिर से चलना स्टार्ट किया है और मैं फिर 1500 RPM के ऊपर आपको पहुँचना है, उससे पहले ये चीज़ काम नहीं करेगी। आपने जैसी जैसी स्पीड बढ़ाते चले जाओगे आप, सो आपके RPM भी इंक्रीज़ होंगे। जैसे ही आप एक बार 1500 के RPM को हिट कर लोगे फिफ्थ गियर पे, कोशिश ये क्या करो कि फिफ्थ गियर पे ही क्रूज़ यूज़ किया करो, वरना आपकी गाड़ी माइलेज नहीं देगी और इंजन हीट होगा। अब जैसे कि मैंने अपनी गाड़ी ऑफ नहीं करी थी, अब मुझे ये नहीं मालूम है कि मुझे फिर मैंने कितने पे क्रूज़ लगाया था,
तो जैसे ही मैं ये रीसेट वाला बटन दबाऊंगा, ये मैंने रीसेट वाला बटन दबाया तो देखो ये क्रूज फिर से एंगेज हो गया उसी स्पीड पे 60 के जो इससे पहले था। और जैसे कि क्या होता है कि अगर आपने गाड़ी साइड में खड़ी करके, ये यमुना रिवर है अपने आगरा की और वहाँ पे है ताजमहल, सो जैसे ही आपकी गाड़ी अगर आप चल रही है और आपने गाड़ी साइड में खड़ी करके इंजन ऑफ कर दिया है, उसके बाद आप ये रीसेट वाला बटन दबाओगे ना फ्रेंड, तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि इंजन ऑफ हो जाता है। तो कंप्यूटर को ये लगता है, जैसे कि आप देखो अभी मेरे आगे ये ट्रक चल रहा है, मुझे इसे ओवरटेक करना है, पर पहले पीछे से कोई गाड़ी आ रही है उसे निकल जाने दो। जैसे कि अभी एक बार मैं रीसेट कर दिया, अब मैंने इसे गाड़ी को ओवरटेक करना, मेरे को एकदम मैंने रेस दबाई, आगे रोड ख़त्म हो रही है। अब जैसे कि ये ट्रक पीछे रह गया, अब मैंने ओवरटेक कर लिया, अब मैं इसे पंजे से पैर हटाऊंगा, गाड़ी फिर से अपनी उतनी सी स्पीड में आ जाएगी। आई होप फ्रेंड आप लोगों को ये छोटा सा ट्यूटोरियल था क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करने का पसंद आया होगा। ये आपका मोस्टली हर गाड़ी में क्रूज़ इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, बस जो अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल होते हैं वो ये होते हैं कि वो सामने वाले व्हीकल को देख के चलते हैं, उसमें आपको ये रीसेट वाला बटन या फिर जो आप ओवरटेक कर रहे हैं वो नहीं करने की ज़रूरत पड़ती और आपको क्रूज़ कैंसिल नहीं करना पड़ता उसमें। एक बार क्रूज़ इंगेज करने के बाद गाड़ी कंटिन्यूस चलती है। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बताएं आप हमें कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा है, और फ्यूचर में स्कॉर्पियो की और जो गाड़ियों के छोटे मोटे जो यूज़ होते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम अपने चैनल पर डालते रहेंगे। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।